हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर। माय नेम इज़ मीनाक्षी। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एमसीक्यू पार्ट 3। पहले वीडियो में 20 क्वेश्चंस किए थे, सेकंड वीडियो एमसीक्यू पार्ट 2 में भी 20 क्वेश्चंस किए थे। अब हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू पार्ट 3, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस ऑन जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग जो है वो किनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? सबसे पहला ऑप्शन है कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स। सेकेंड है कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। थर्ड ऑप्शन है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑन कॉस्ट और इनकम एंड मैनेजर्स फॉर मैनेजर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो कंपनी की टैक्स लायबिलिटी है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, ये भी प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। लास्ट जो है क्या है फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की, ये भी प्रोवाइड करता है थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसका मतलब कि ये तीनों ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। अब हम डिस्कस करेंगे 42nd क्वेश्चन। 42nd क्वेश्चन में कह रहा है द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू, पर उनकी एक वैल्यू है, उनको कुछ वो राइट्स है जिनकी कुछ वैल्यू है, ठीक है। उन एसेट्स की अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन उनकी कुछ वैल्यू है। सबसे पहले है करंट एसेट्स, सेकेंड ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स, थर्ड ऑप्शन है इनटेंजिबल एसेट्स और लास्ट ऑप्शन है टेंजिबल एसेट्स। सबसे पहले करंट एसेट्स, वो एसेट्स जैसे कि डेली बेसिस पे जिसके थ्रू हमें इनकम रिसीव करते हैं, जिनको यूज़ करके उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। सेकंड है फिक्स्ड एसेट्स, जिनको हम बोलते हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जिनको यूज़ करके हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट अवेल करते हैं, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है इनटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है, तो फोर्थ ऑप्शन का मतलब है वो एसेट्स जिनको हम दैट कैन बी सीन और टच्ड, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लूज एंड टूल्स, ठीक है। ये सारी क्या आ जाते हैं, किसमें आ जाएंगे? टेंजिबल एसेट्स में। इनटेंजिबल का मतलब है वो एसेट्स जिनको हम ना देख सकते हैं, विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, उसको हम क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। जो क्वेश्चन है वो भी यही कह रहा है कि इनकी कोई अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, तो वो कौन सी आ जाएगी? ऑप्शन सी, इनटेंजिबल एसेट्स। तो ये था 42nd क्वेश्चन। नाउ मूव टू द 43rd क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 ईयर और लेस आर नॉन एस, वो एसेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर और विद इन लेस पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? मैंने पहले भी बताया करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी ईजिली कन्वर्टेबल इन टू कैश विद इन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन, करंट एसेट्स। 43rd क्वेश्चन का आंसर है ए, करंट एसेट्स। 44th क्वेश्चन, 44th क्वेश्चन में कह रहा है पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर, इनको हम क्या बोलते हैं? ये करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, इनटेंजिबल है या इन्वेस्टमेंट्स है? करंट एसेट्स आपको पता ही है, जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, जैसे स्टॉक, डेटर्स, ये है हमारे करंट एसेट्स। उसके अलावा फिक्स एसेट्स मैंने बताया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, जिनका हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट अवेल करते हैं, यानी कि आफ्टर वन ईयर, फॉर मोर देन 1 ईयर और आफ्टर 1 ईयर। इनटेंजिबल एसेट्स मैंने अभी बताया, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी एग्जाम्पल्स है, जैसे ये अभी क्वेश्चन में है
पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। ये सिर्फ एक कह लो कि इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत है। अगर मेरा कोई कॉपीराइट है, वो विदाउट माई परमिशन वो कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स आपको पता ही है, जैसे शेयर्स, बोन, जिनमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें हम पैसा लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये जो पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स है, ये एग्जाम्पल्स है ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। तो आंसर ऑफ 44th क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। उसके बाद 45th क्वेश्चन है, द डेट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड। वो डेट्स यानी कि वो कर्जा जो हमने पे करना है विद इन अ शॉर्ट पीरियड, यानी कि विद इन वन ईयर और लेस देन वन ईयर, आर नॉन एज। करंट का मतलब ही यही है, आप हमेशा अज्यूम करना, जैसे करंट का मतलब कि शॉर्ट टाइम पीरियड। आपने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए या तो कुछ बेनिफिट अवेल करना है, या फिर आपने लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है। करंट मीन्स शॉर्ट टर्म। फिक्स्ड मैंने बता दी, जैसे कि फिक्स्ड वो जो हमें काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए हमें पे करनी पड़ती है, वो जैसे मैंने लोन ले लिया, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो मुझे हर साल पे करना है, जब तक कि उसकी अमाउंट पूरी की पूरी मैं उसको पे ऑफ नहीं कर देती, ठीक है। कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ है, जैसे कोई लाइबिलिटी ऐसी जैसे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे सपोज मैं बैड डेट्स की बात करूँ, बैड डेट्स क्या है मेरे, कंटिजेंट लाइबिलिटी। हो सकता है वो पैसा मुझे सारा का सारा पे कर दे, हो सकता है कि वो मुझे उसमें से, जैसे सपोज मेरे कोई डेटर्स है 5 या 6, हो सकता है उसमें से 2 डेटर्स ऐसे हैं जो मुझे पैसा ना पे करें। 10,000 मैंने टोटल डेटर्स पैसा अमाउंट रिसीव करना है, लेकिन हो सकता है कि कल को 10,000 का 10,000 मुझे मिल जाए, हो सकता है मुझे 2,000 या 3,000 मुझे ना भी पे करे, तो मैं उनको क्या बोलूँगी, कंटिजेंट लाइबिलिटी, जो हो सकती है या नहीं भी हो सकती। इसका आंसर है कि वो डेट्स जो कि हमें रीपे करने हैं विद इन वन ईयर और लेस देन वन ईयर, उसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। तो इसका आंसर है ए, करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद 46th क्वेश्चन, द सेल्स इनकम क्रेडिट एंड कैश ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, उनको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज। जो सेल्स इनकम है, चाहे वो क्रेडिट पे है चाहे कैश पे है बिजनेस की, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसैक्शन नहीं बोलते, सेल्स रिटर्न भी नहीं बोलते, टर्नओवर, ठीक है। ट्रांसैक्शन मतलब कि कोई इवेंट, जैसे कोई परचेज की, डेट वॉज ट्रांसैक्शन, कोई सेल की, वो ट्रांसैक्शन। सेल्स रिटर्न मतलब कि मैंने कोई गुड्स को सेल किया, उसको लोगों ने वापस कर दिया, तो डैट वॉज सेल्स रिटर्न, ठीक है। टर्नओवर सेल्स, ठीक है, टर्नओवर को क्या बोलते हैं, सेल्स इनकम। तो क्या बोलेंगे, द सेल्स इनकम क्रेडिट और कैश ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड एज अ टर्नओवर। तो 46th क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी, टर्नओवर। उसके बाद 47th क्वेश्चन है, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांसैक्शन इज कॉल्ड। कोई भी ऐसा एविडेंस, जैसे सपोज मैंने गुड्स परचेज किए, तो एक बिल जो है वो, एक वाउचर जो है वो, एक रिटन एविडेंस है इन डेट केस। अगर मैं सेल करती हूँ, बिल मैं उसको पे कर, बिल बनाती हूँ मैं उसका, तो वो भी मेरे लिए क्या है, रिटन एविडेंस। तो एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांसैक्शन, उसको हम जर्नल नहीं बोलते, लेजर भी नहीं बोलते, पोस्टिंग भी नहीं बोलते। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन, वाउचर। एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांसैक्शन इज कॉल्ड एज अ वाउचर। तो आंसर इज डी। उसके बाद 48th क्वेश्चन, बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी मैं आपको करवा रही हूँ। आपको इसकी बेसिक नॉलेज जो है वो मैं साथ साथ प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इसको नोट करते रहना। जितने भी आपके अकाउंट्स के एग्जाम्स हैं उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 48th क्वेश्चन कह रहा है, द अकाउंट डेट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस गेंस लॉसेस। आपको पता ही है कि जो पर्सनल है वो पर्सन्स के बारे में डाटा रिकॉर्ड करता है, जैसे कि नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, ये किस में आ जाते हैं, पर्सनल अकाउंट में। और जो रियल है, रियल अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स का। नॉमिनल अकाउंट जो है वो रिकॉर्ड करता है एक्सपेंसेस, गेंस, लॉसेस, ठीक है। तो यानी कि इनकम्स, ये कौन नोट करेगा, नॉमिनल अकाउंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन,
नॉमिनल अकाउंट, जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ उसको साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना कि पर्सनल में क्या आएगा, रियल में क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे 49th क्वेश्चन, इन जर्नल द बिजनेस ट्रांसैक्शन इज रिकॉर्डेड। जर्नल में जो बिजनेस ट्रांसैक्शन है वो कैसे नोट की जाती है, वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ए ऑप्शन सेम डे, बी नेक्स्ट डे, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ। तो इसका आंसर है कि जो ट्रांसैक्शन है जर्नल में वो रिकॉर्ड करते हैं ऑन द डेली बेसिस, यानी कि ऑन द सेम डे। तो आंसर आ गया ए ऑप्शन सेम डे। जैसे आज ट्रांसैक्शन की, आज मैंने परचेज किए तो मैं आज ही परचेजेस रिकॉर्ड कर लूँगी, आज मैंने सेल की आज ही मैं उसको सेल्स में रिकॉर्ड कर लूँगी। उसके बाद 50th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग ऑल द ट्रांसैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जब हम ट्रांसैक्शन को जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग। जब हम ट्रांसैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। समझ आई। जब हम ट्रांसैक्शंस को जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को, जर्नलाइजिंग। और जब हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन पोस्टिंग। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PSPCL में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, रेवेन्यू अकाउंटेंट में। उसके बाद 51st क्वेश्चन, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई थी, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एक है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट लॉस ये पता चलता है। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम एसेट्स लायबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बिजनेस की, कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ए ऑप्शन एसेट्स, बिल्कुल। बी लायबिलिटीज़, हाँ बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट है वो एसेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और लायबिलिटीज़ के बारे में भी। सी कैपिटल, कैपिटल भी हम शो करते हैं ऑन द लायबिलिटी साइड, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल। तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 52nd क्वेश्चन, द रेशोस। ये है रेशो एनालिसिस के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे जैसे रेशो के क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे वैसे मैं हर एक रेशो को डिटेल में डिफाइन करती जाऊंगी। 52nd कहता है द रेशोस डैट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस आउट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। ये रेशो कहती है कि ये कौन सी रेशो है जो कहती है कि जो फर्म है उसकी एबिलिटी है कि उसने मीट करनी है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, यानी कि जो उसकी शॉर्ट टर्म, जो उसके डेट्स हैं वो उसने पे करने हैं आउट ऑफ दी शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। जो भी उसकी शॉर्ट टर्म ड्यूटीज़ है, जो भी उसने अमाउंट पे करना है ऑफ दी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, उसने पे करना है कुछ अमाउंट, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे करनी है, वो किस में से पे करनी है, उसने शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज में से। ये कौन सी जो है ये प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन, ये रेशो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं। कहते हैं द रेशोज डेट रेफर टू द एबिलिटी, जो शो करती है कि एबिलिटी क्या है फर्म की टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस आउट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, डैट रेशो इज लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, अब देखो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो पे करनी है वो ज़्यादातर हमारे पास कैश होगा तभी हम शॉर्ट टाइम जो ऑब्लिगेशन है वो पे आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, कि हमारे पास कितना जो अमाउंट है वो लिक्विडिटी में है, यानी कि कितना कैश जो है वो हमारे पास अवेलेबल है ताकि हम शॉर्ट जो हमारी ऑब्लिगेशन है उसको पे आउट कर सके, उसको हम पे ऑफ कर सके। तो ये कौन सी रेशो है, दैट इज लिक्विडिटी रेशो। ए इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 53rd क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज द करंट लायबिलिटी या लायबिलिटीज। आप देखो करंट लायबिलिटीज मैंने पहले भी बताया था, वो डेट्स जो हमें विद इन वन ईयर और लेस देन वन ईयर हमें पे रीपे करने हैं, ठीक है। पहले आता है बिल्स पेएबल, बिल्कुल ये करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारे क्या है, हमें विद इन शॉर्ट पीरियड इसको पे ऑफ करना है, तो वो भी क्या है जो कि अभी तक नहीं किए उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, कि अभी ड्यू है लेकिन अभी पे नहीं किए, अभी पे करने हैं उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी क्या है करंट लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी क्या है करंट लायबिलिटी, ये शॉर्ट टर्म पीरियड को डिफाइन करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। सो बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों क्या है हमारे करंट लायबिलिटीज। उसके बाद 54th क्वेश्चन, जो करंट रेशियो है वो किसको डिफाइन करता है, करंट रेशियो शो करेगा इसका फॉर्मूला क्या है। ज़्यादातर रेशियो एनालिसिस में हमें रेशियोज को डिफाइन करने के बारे में पूछा जा सकता है या उनके फॉर्मूलाज के बारे में, हो सकता है आपको एक कैलकुलेशन यानी कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी वो पूछे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे मैं रेशियो के और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ताकि आपको हर एक रेशियो के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता पाऊँ, ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला जो है वो डिफाइन करता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को, ठीक है। अगर तो करंट एसेट्स हमारे ज़्यादा है करंट लायबिलिटी से, तो बिल्कुल हमारा बिजनेस जो है वो अच्छा है, ठीक है। अगर इक्वल भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार रेशियो आ जाती है 1:1, तो इसका मतलब कि जितने हमारे करंट एसेट्स है उतने ही हमारे करंट लायबिलिटीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1:2 आ जाए तो इसका मतलब करंट एसेट्स कम है करंट लायबिलिटीज ज़्यादा है, वो जो है वो बिजनेस को बंद करने की कगार पे है, मतलब कि बिजनेस जो है वो लॉसेस में जा सकता है, जहाँ तो लॉसेज में है और जल्दी ही आपका बिजनेस जो है वो वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए करंट रेशो है उसका फॉर्मूला है करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। उसके बाद 55th क्वेश्चन, लिक्विड और क्विक एसेट्स। लिक्विड और क्विक एसिड्स किसको बोलते हैं, वो आपको पता ही है, वो एसिड्स जो लिक्विड है मतलब कि जो हम इजीली जो है वो कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। लिक्विड जो है वो करंट एसिड्स का ही पार्ट है। इसका फॉर्मूला क्या है वो बता दूं पहले, इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसिड्स इक्वल टू, जब हम लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसिड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कई बार हमें खुद कैलकुलेशन करनी पड़ती है क्विक एसिड्स की, तो उसका फॉर्मूला है करंट एसिड्स, उसमें से हम माइनस करेंगे स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि करंट एसिड का सपोज 2 लाख अमाउंट है, स्टॉक जो है वो 10,000 है, वर्क इन प्रोग्रेस भी 10,000 है। स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस को मिला के कितना अमाउंट बनता है 20,000, 20,000 हम माइनस करेंगे करंट एसेट्स में से, ठीक है। इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, करंट एसेट्स माइनस ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस। और जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि जैसे करंट एसेट्स 2 लाख है, स्टॉक है 10,000, वर्क इन प्रोग्रेस है 10,000, तो इस केस में क्विक एसेट्स कितने आ जाएंगे, 2 लाख माइनस 20,000, आंसर आएगा 1,80,000। तो ऐसे आएंगे आपके क्विक एसेट्स, तो आंसर आ गया ए ऑप्शन, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये फॉर्मूला है क्विक एसेट्स कैलकुलेट करने का। उसके बाद 56th क्वेश्चन, अ हायर इन्वेंट्री रेशो इंडिकेट्स। अगर आपकी इन्वेंट्री रेशो हायर है, ज़्यादा है, तो वो क्या इंडिकेट करता है उसके बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेकेंड ऑप्शन है क्विक टर्नओवर, मतलब कि क्विक आपकी सेल्स हो गई है। सी है बोथ ए एंड बी, एंड थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा, अगर आपकी इन्वेंट्री रेशियो ज़्यादा है तो बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, बिल्कुल क्विक सेल्स होंगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। तो हाई इन्वेंट्री रेशियो क्या शो करती है कि बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है और
क्विक टर्नओवर है, यानी कि क्विक सेल्स है। अगर यही आपको बोला जाए कि लोअर इन्वेंट्री रेशियो है बिल्कुल, तो वो क्या शो करेगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो बेटर नहीं है, टर्नओवर भी क्या है वो नहीं होगी, तो ये आ जाएगा यानी कि क्वालिटी जो है इन दोनों की कम हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी इस क्वेश्चन का। उसके बाद 57th क्वेश्चन, अनपेड सैलरी, वो सैलरी जो अभी पे नहीं की, ₹4,250 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इन द अकाउंट्स, यानी कि जो अनपेड सैलरी है उसको हमें किस बुक में शो करना है। फर्स्ट है बिल रिसीवेबल बुक, ये डेटर का तो है नहीं, सैलरी है एम्प्लॉय को पे करते हैं तो ये हमारे डेटर तो है नहीं, तो बिल रिसीवेबल बुक में तो शो करेंगे नहीं। परचेज भी नहीं कोई की, परचेज रिटर्न भी नहीं है, तो आंसर आएगा जर्नल प्रॉपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जर्नल प्रॉपर, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये हमें कहाँ शो करने हैं, इन द जर्नल प्रॉपर। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन, जर्नल प्रॉपर। उसके बाद 58th क्वेश्चन, इन परचेज बुक द रिकॉर्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ, मैंने जब ये सब्सिडरी बुक जो करवाई है, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने सब्सिडरी बुक के काफ़ी पार्ट्स करवाए हैं, एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। परचेज बुक जो है उसमें हम शो करते हैं क्रेडिट परचेजेस को, ठीक है। अगर मैंने कैश परचेजेस को शो करना है तो वो मैं कहाँ करूँगी, कैश बुक में। वैसे ही अगर मैंने क्रेडिट सेल्स शो करनी है तो वो मैं उस किस बुक में रिकॉर्ड करूँगी, सेल्स बुक में। अगर मैंने कैश सेल्स रिकॉर्ड करनी है तो वो मैं कहाँ शो करूँगी, कैश बुक में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो परचेज बुक है वो रिकॉर्ड रखता है बी ऑप्शन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर आ जाता है कि जो कैश परचेजेस है वो किस बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं, तो वो रिकॉर्ड की जाती है इन द कैश बुक, और जो टोटल है कैश बुक की परचेजेस का, और जो से जो परचेज बुक यानी कि क्रेडिट और जो कैश परचेजेस है वो दोनों कहाँ ट्रांसफ़र की जाती है, वो रिकॉर्ड ट्रांसफ़र की जाती है टू द डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट, ठीक है। पहले बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, बाद में उसको परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे ऑन दी डेबिट साइड। उसके बाद 59th क्वेश्चन, रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ क्रेडिट परचेज वर्थ ₹10,000 रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल टू मिस्टर डी डिस्कवर 2 months लेटर। सबसे पहले क्रेडिट परचेज थी 10,000 की, बाद में उसको रिकॉर्ड किया एज, मतलब कि पहले थी वो क्रेडिट परचेज, उसको रिकॉर्ड किया गया एज अ क्रेडिट सेल। उस केस में क्या है, ये एरर है, आपने परचेजेस शो करनी थी, आपने सेल शो कर दी क्रेडिट वाली, तो इसको हम कहाँ जो है वो शो करेंगे, ये तो एरर है, ठीक है ना। तो पहले इसको ना तो ये सेल्स बुक में जाएगी, ना ये कैश बुक में जाएगी, ना ये परचेज बुक में जाएगी। जो भी रेक्टिफाइंग एरर है, अगर आपकी कोई भी एरर मिस्टेक हो जाती है, वो हम कहाँ शो करेंगे, वो हम शो करेंगे इन द जर्नल प्रॉपर, ठीक है। कोई भी एरर जो रेक्टिफाई करनी है उसको हमें कहाँ शो करना है, जर्नल प्रॉपर में। तो इसका आंसर क्या है, ए जर्नल प्रॉपर। उसके बाद 60th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ MCQ पार्ट 3, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू। मैंने पहले बताया था टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू, जो टोटल है सेल्स बुक का वो हमें कहाँ शो करना है, वो हमें शो करना है क्रेडिट दोनों। अगर यहाँ पूछा जाता कि सेल्स जो कैश है और क्रेडिट है उनको कहाँ पोस्ट करना है, उनको हमें पोस्ट करना है क्रेडिट ऑफ द सेल्स अकाउंट। अगर पूछा जाता टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू, डैट विल बी पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट, और पर यहाँ सेल्स बुक है तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, क्रेडिट ऑफ द सेल्स अकाउंट। तो
सो स्टूडेंट्स काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू नोटिफिकेशन अबाउट माई न्यू वीडियोज अबाउट अकाउंट्स रिलेटेड टू EPFO एग्जाम्स. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.